फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं तंदूरी मोमोज। इसके लिए आइए हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। ये तंदूरी मैरिनेट करने का मसाला है। और ये है हमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, होममेड पनीर, आप बाहर का भी ले सकते हैं, कैबेज, दही, कुकिंग ऑयल, मैदा, मस्टर्ड ऑयल और आटा गूंदना, थोड़ा सा पानी। और इन सब चीज़ों से हम अपना मोमोज तैयार करेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आइए देखते हैं। एक बाउल में मैदा लेंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे, एक चम्मच कुकिंग ऑयल और आधा कटोरी पानी, और इससे आटा लगा लेंगे। सॉफ्ट आटा लगाएं बिल्कुल। यह है तंदूरी मैरिनेट करने का मसाला। इसके लिए हमें चाहिए सूखा पाउडर और दही और मस्टर्ड ऑयल, और मिक्स करने अच्छे से। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे, गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च, और सबको अच्छे से फ्राई कर लें। हल्का सा पका लें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दें। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कैबेज, ब्लैक एंड सॉल्ट पेपर, रेड चिली सॉस, केचप एंड सोया सॉस, और सबको अच्छे से मिक्स कर लें। लास्ट में पनीर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अभी पूरियों की शेप की रोटियां बेल लें और इसमें स्टफिंग डाल करके इसको तैयार करें। और ऑयल को हल्का गर्म करेंगे, इसमें इसको फ्राई करेंगे, पलट पलट के फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस पिंक हो जाए इसको निकाल लेंगे। इस तरह दूसरी बार भी डाल करके उसको भी फ्राई करेंगे, निकालेंगे। इस तरह अपने सारे मोमोज को फ्राई कर लें आप। और ये तंदूरी मसाला है, इस मैगनेट में इसको अच्छे से मैगनेट करेंगे। मैगनेट करने के बाद आप इस तरह की कोई भी जाली ले लें, इस पर इसको रखें। इसको हमें डायरेक्ट गैस पे ही सेकना है, तो फ्लेम ऑन करें और इसको पलट पलट के सेक लें। ये ऑलरेडी पके हुए हैं तो हमें पकाना नहीं है, बस इसको ड्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है। इस तरह से बनाएं, आप बाहर के मोमोज खाना भूल जाएंगे। सर्व करें, खुद खाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं। एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।